जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में पीतल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीतल कारोबारी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पीतल कारोबारी का पड़ोसी युवक से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीतल कारोबारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित एकता विहार कॉलोनी में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान क्षेत्र के ही रहने वाले पीतल कारोबारी सऊद के रूप में हुई। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे का पड़ोसी युवक सोहराब से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते मृतक के परिवार वालों ने पड़ोसी युवक सोहराब पर अपने बेटे सऊद को फोन कर घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने पीतल कारोबारी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पीतल कारोबारी की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, कल रात्रि में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक सूचना मिली थी कि थाना कटघर क्षेत्र में जो काशीराम दोराया है, वहां पे एकता विहार कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है और उसी पर तत्काल थाना कटघर की टीम और SP City SP और CO कटघर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे परिजनों से भी जानकारी की गई थी। जानकारी मिली थी कि जो लड़का है उसका नाम सऊद है और वो वहाँ पे बाहर घूम रहा था और इसी दौरान ये घटना हुई और उसके बाद में जो उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली। बाद में जब इसमें जांच पड़ताल किया गया तो ये जानकारी मिली कि उनके पड़ोस में एक सऊद नाम का एक लड़का रहता है और साथ ही उसका एक साथी है सलमान, इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और उनके खिलाफ में एक नामजद तहरीर परिजनों के द्वारा दी गई है और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें लगी हुई हैं, जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद में घटना किस वजह से हुई है इनके कारणों का पता लगाते हुए घटना का अनावरण करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, जैसे कि संज्ञान में आ रहा है कि बच्चों के खेल की वजह से पूरा विवाद हो गया था, क्या ये जानकारी मिली है कि जो मृतक हैं उसका परिवार 2 महीने पहले ही उस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था और उसके बाद में कुछ बच्चे वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे उनके घर पे हैं और इसी को लेकर उन बच्चों से जो पड़ोसी है उनके द्वारा कुछ बोल दिया गया था और तभी से हमने आपस में बाद विवाद हुआ था, लेकिन बाद में आपस में समझौता टाइप का हो गया था। लेकिन कल क्या घटना हुई, क्या जानकारी हुई, इसके बारे में जब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तब जानकारी